नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में मैं आपको 5 जबरदस्त खाने वाली चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे खाने से आपका चेहरा हमेशा ग्लोइंग रहेगा, चेहरे में चमक रहेगी, लंबे समय तक आप जवान दिखोगे, बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास रखोगे, बाल मजबूत हो जाएंगे, दिमाग तेज हो जाएगी, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ों में, घुटनों में, कंधे में हमेशा दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी आ गई है, बहुत दुबले पतले हो गए हैं, वीर्य का नाश कर चुके हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जो असली चीज़ों को देखकर अपने आप को कमजोर कर चुके हैं, भयंकर कमजोरी में आ गए हैं, उनके लिए भी यह फायदेमंद है। इसके अलावा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यानी कि थोड़े से दौड़ने पर ही सांसें फूलने लगती हैं, डाइजेशन सही नहीं है, बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो इन सभी बीमारियों में ये 5 चीज़ें जो हैं ये रामबाण की तरह काम करेगी। जी हाँ, औषधि की तरह काम करेगी। इन्हें बस आपको डाइट में शामिल करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो 5 चीज़ें जिन्हें आप डाइट में शामिल करके बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास रख सकते हो, चुस्ती फुर्ती ताकत स्टैमिना को कई गुना बढ़ा सकते हो। आइए जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों कद्दू का बीज, पम्पकिन सीड्स। बहुत से लोग कद्दू तो खाते हैं लेकिन कई लोग कद्दू के बीजों को फेंक देते हैं, यानी उन्हें पसंद नहीं होता। इनके फायदे जानकर आप आज से ही कद्दू के बीजों को खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि कद्दू के बीज में विटामिन ई और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और फ्री रेडिकल्स से फाइट करके एजिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्लो करता है। इसमें दोस्तों मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो कि शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाता है। लेकिन जो सबसे खास चीज़ होती है वो है जिंक। जिंक चेहरे पर आ रहे एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करता है, चेहरे की रंगत को बढ़ाता है, बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। और ज़्यादातर खाने की चीज़ों में जिंक की सही मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन पम्पकिन सीड्स उन खास तरह के फूड की श्रेणी में आता है जिसमें जिंक की अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप पम्पकिन सीड्स को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और किसी डब्बे में भरकर रख लीजिए, या रोजाना खाने खाने के बाद या कभी भी 10 से 15 ग्राम पम्पकिन सीड्स को चबा चबा कर यूं ही खा लें। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रखना है और सुबह पम्पकिन सीड्स को चबा चबा कर खा लेना है और बचा हुआ भी पानी पी लेना है। ये जो दूसरा तरीका है ये ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बीजों को भिगोने के बाद बीजों की पौष्टिक तत्व और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला चीज़ जिसे आपको डाइट में शामिल करना है वो है चना। दोस्तों चना उन खास तरह के खानों में आता है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इसे उबालकर भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोस्ट करके या फिर अंकुरित करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन चना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर सही रेशियो में मौजूद होता है, जिससे कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पाचन को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसे वजन बढ़ाने और घटाने दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। वैसे चना के बारे में कहा जाता है कि इसे खाने से घोड़े जैसी ताकत मिलती है, वीर्य बल को बढ़ाता है, अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, तो चने को डाइट में जरूर शामिल करें। इसका तरीका मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चना रात को भिगो देना है और सुबह आपको भीगे हुए चने के साथ गुड़ लेना है और गुड़ चने को चबा चबा कर आराम से खाना है और चना का बचा हुआ पानी भी पी लेना है। अगला आइटम है दोस्तों क्विनोवा। दोस्तों क्विनोवा गेहूं और चावल की तरह ही एक अनाज होता है, जो कि कुछ कुछ सरसों के दाने की तरह दिखता है। यह अनाज इंडियन फूड नहीं है, जिसकी वजह से इसे हिंदी में भी क्विनोवा ही कहते हैं, लेकिन यह इंडियन फूड ना होने के बावजूद सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने की वजह से इसे इंडिया में भी सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन स्टोर से आसानी से खरीदा जा सकता है। वैसे तो इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो खास चीज इसमें पाया जाता है वो है फाइबर और प्रोटीन। इसमें फाइबर की मात्रा चावल के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, और जो कि इसे फैट लॉस डाइट के लिए परफेक्ट बनाता है, और साथ ही यह पाचन को इम्प्रूव करने और कब्ज की समस्या को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन इतना ही नहीं, शायद आपको पता ही होगा कि वेजिटेरियन फूड में ज़्यादातर फूड कम्प्लीट प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अमीनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन क्विनोवा उन गिने चुने वेजिटेरियन फूड में आता है जो कि एक कंप्लीट फूड की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पूरे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसे मसल्स बिल्ड करने में और फैट लॉस करने में दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। क्विनोवा का इस्तेमाल चावल की तरह भी किया जा सकता है।
अगला चीज है दोस्तों अखरोट। जी हाँ, अखरोट में ALA नाम का ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि दिल और दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये दिमागी ताकत को बढ़ाता है और शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी बहुत मदद करता है, जिससे कि दिल से जुड़ी बीमारियां होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही स्किन और बालों के सेहत को इम्प्रूव करने के लिए और साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज में फायदा पहुंचाकर ब्लड शुगर को कम करने में भी बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, अखरोट में विटामिन ई, पॉलीफेनॉल और मेलाटोनिन जैसे कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर की तरह काम करते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 2 से 3 अखरोट को रात को ही पानी में भिगो दीजिए और फिर सुबह उठकर पानी से निकालकर खाली पेट इसका सेवन करें। और अगली चीज है दोस्तों, वो है स्वीट पोटैटो। जी हाँ, ये देखने में कुछ कुछ आलू की तरह ही दिखता है, लेकिन ये आलू के मुकाबले स्वाद में मीठा होने के साथ साथ इसमें कैलोरीज भी कम होती है और इसके फायदे आलू के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होने की वजह से एक्सरसाइज करने वाले लोग अक्सर ही इसका इस्तेमाल प्री वर्कआउट मील के रूप में करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे कि एक्सरसाइज के दौरान आसानी होती है। शकरकंद में फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि पाचन को इम्प्रूव करने में और पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करता है। लेकिन इन सब के अलावा इसमें जो सबसे खास चीज होती है, वो है बीटा कैरोटीन, यानी कि विटामिन ए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शकरकंद में विटामिन ए की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ 100 ग्राम के इस्तेमाल से ही हमारे शरीर की जरूरतों का लगभग 3 गुना विटामिन ए प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि विटामिन ए का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बनाए रखने और आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। साथ ही दोस्तों, ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी काफी हद तक मदद करता है। नहीं नहीं, शकरकंद में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी प्रोटेक्ट करने में काफी हद तक मदद करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इसे वजन बढ़ाने और वजन घटाने में दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसे अपने खाने में शामिल करना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सिर्फ इसे उबाल कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना 5 जबरदस्त फूड्स के बारे में, जिसे अगर आप डाइट में शामिल करोगे तो लंबे समय तक जमा हेल्दी फिट रहोगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।